ठंडी भाषा से हिंदी में अनुवादित एक सुंदर कहानी जहाज, लेखक श्याम जयसिंघानी, अनुवादक देवी नागरानी। शेरखान पहली मंजिल से खिड़की पर खड़ी चंपा बाई की आवाज। अभी आया बाई जी, जवाब में शेर खान की नीचे से आवाज। बाई जी के बजाय जवाब में उसे चंपा बाई बुलाने की तमन्ना पठान चौकीदार शेर खान मुद्दत से दिल में दाबे हुए है, लेकिन उसकी जबान हर रोज बाई जी का ही उच्चारण करती है और इस मामले में वो अपनी आज की आस को कल पर छोड़ देता था। चंपा बाई को उसकी आवाज पर जवाब देकर शेर खान ने अपनी मूछों की नोकों को खबरदार और निहायत ही मुलायम छुहाव से सहलाते हुए एक लंबी सांस ली और फिर अपने कदमों की भारी आवाज को कम करने का असफल प्रयास करते हुए ऊपर चढ़ गए और चंपा बाई की कोठी के पास खड़े होकर दस्तक दी। भाई जी, चंपा बाई की काली मद्रासी दासी ने मुंह बाहर निकाला। शेरखान नजरें हटाता इससे पहले चंपा बाई जाहिर हुई। शेरखान पान भाई जी, हाँ ये लो, कहकर उसने शेरखान की तरफ पैसे बढ़ाए। पैसे लेते हुए शेरखान ने हमेशा की तरह एक नजर उठाकर सीधे चंपा बाई की ओर देखा। उसके ढंग से सजे काले बाल या बेढंग वेशभूषा, चेहरा या जुल्फ शेरखान के लिए कोई मतलब नहीं रखते। इसे एक नजर में मुख्य रूप से वह सिर्फ चंपा बाई की आंखें ही देखता। पैसे लेकर शेरखान वापस मुड़ा और नीचे उतरने लगा। दरवाजा बंद करती मद्रासी दासी की आंखें कुछ कदमों तक उसके सुगठित बदन का पीछा करती रही। शेरखान को उस दासी से नफरत है, कबाब में हड्डी। वो हर रोज चंपा बाई के लिए पान लाता था। वैसे तो वो सारे दिन के लिए पर्याप्त मात्रा में पान अपने पास रखती थी, फिर भी उसे रात को ताजा पान खाने की इच्छा होती थी। शेरखान न फकत सही वक्त जानता पर यह भी जानता था कि उसका लाया हुआ पान चंपा बाई को बहुत पसंद आता। शेरखान चंपा बाई के मकान के सामने वाले गोदाम का चौकीदार। चंपा बाई के मकान के निचले भाग में टूटी हुई लिफ्ट के ऊपर रखी अपनी खाट रात को गोदाम के बाहर बिछाकर बैठता, पहरा देता या लिफ्ट में सोने वाले लड़के काशी के साथ गपशप करता। काशी मकान मालिक का ग्रामीण नौकर था जिसके साथ वह बैठकर हुक्का पीता, पर उसकी नजरें सदा गोदाम के ताले पर टिकी रहती। चंपा बाई के लिए पान लाना उसका एकमात्र प्रेम पूर्ण शगुन था रहता था, जिसके ख्याल से होती गुदगुदी को भुलाना उसके बस में नहीं। पान की बदौलत चंपा बाई को दो बार आमने सामने देखने का मौका उसे मिल जाता। पैसे लेते और फरमान सुनते उसकी नजरें चंपा बाई की खूबसूरत लंबी उंगलियों से उलझने की ख्वाहिशमंद रहती। दोनों बारी चंपा बाई की ओर से मेरी मुस्कुराहट को याद करते झूमते मुस्कुराते मूछों के कोनों को मुलायम छुहाव से संवारते पहनी हुई वेस्ट कोट में रखे आईने को बाहर निकाले बिना अपने जवान चेहरे की कल्पना करते सलामत नीचे पहुंच जाता। कभी कभी खाट पर बैठे बैठे हुक्का पीते हुए जब वह सोच में डूबा होता तो चंपा बाई उसकी जवानी, शुरुआती जहाज और पेशा भी उसके ख्यालों का हिस्सा बन जाते। पेशा अकेले में ही अपने कान पकड़कर आसमान की ओर देखता गोया उसे चंपा बाई को नंगा देख लिया। शेरखान पर
चंपा बाई की निछावर की गई मुस्कुराहटें मुफ्त न थी। ये राज सिर्फ टूटी लिफ्ट में सोने वाला काशी जानता था कि शेर खान चंपा बाई के लिए दुगने पैसे भरकर पान लाया करता था। आधे पैसे वो खुद अपनी जेब से दे देता था। पान वाले को तो उसने खास उत्तम तंबाकू की डिबिया के पैसे पहले से ही दे दिए होते। अक्सर शेर खान निर्धारित समय के पहले चंपा बाई के मकान पर पहुंच जाता, लेकिन जिस दिन पास वाले स्टूडियो का चौकीदार नाचाक रहा, शेर खान उसकी खिदमत में व्यस्त रहा। उस रात तेज बारिश और अंधेरे की घनी परतों में चंपा बाई के मकान की बाहर वाली बत्तियां मध्यम लग रही थी, जैसे लगातार जागरण ने फीकापन ला दिया। फटी हुई छतरी के अनेक सुराखों से आसमान की बदलती झलकियां देखते हुए, अपने गीले बालों को सर हिला हिला कर सुखाते हुए, अपने बूट में जमी हुई कीचड़ को बेजार काशी मकान के पास पहुंचा। अंदर जाते जाते छतरी बंद करने की कोशिश में वह और ज्यादा भीग गया। बदन से कमीज उतारी, सर पोछा, कमीज झटकी, लिफ्ट के कोने में टांग दी। लिफ्ट के ऊपर शेर खान की उल्टी पड़ी खाट पर से अपना बिस्तर उठाया। लिफ्ट की सतह को पुरानी अखबार के टुकड़े से साफ करके बिस्तर बिछाया और दूसरी बीड़ी जलाकर पीते हुए खान का इंतजार करने लगा। बारिश की सुरताल बद्ध आवाज में उसने एक मधुर लय में घुलती मिलती जनानी आवाज सुनी। बराबर चंपा बाई शेर खान को आवाज दे रही थी। बीड़ी का जला हुआ मुंह जमीन से घिसकर कमीज ओढ़ी और काशी ऊपर पहुंचा। चंपा बाई की कोठी का दरवाजा खुला था। दरवाजे के पाटों को थामे काली मद्रासन खड़ी थी। शेर खान नहीं आया क्या? अंदर से चंपा बाई की आवाज है। काशी हैरान होकर सिर्फ देखता रहा। हे छोकरे, शेर खान कहाँ है? मद्रासी दासी ने पूछा। अभी आया नहीं, मेरे लिए पान ले आओगे? अब चंपा बाई का चेहरा सामने है। काशी ने सर हिलाकर हामी भरी। चंपा बाई ने पैसे उसकी हथेली पर धर दी। कलकत्ता सादा सेकी सुपारी तंबाकू और इलायची, क्या समझे? सादा कलकत्ता तंबाकू इलायची और सेकी सुपारी याद रखो। काशी वापस जाने को मुड़ा, बंद मुट्ठी में सिक्के रगड़ता हुआ नीचे उतरने लगा। आधी सीढ़ी पार की और उसका पैर खिसक गया। ऐन वक्त पर रेलिंग पकड़कर खुद को गिरने से बचाया और सीढ़ी उतरते वक्त ठीक से ध्यान न दे पाने की अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका समस्त शरीर यूं कांप रहा था जैसे सच में वो गिरा हो और अपने बेवकूफी पर चंपा बाई और मद्रासीन दासी को खुद पर हंसता हुआ पाया। कांपते पैरों को धीरे धीरे सीढ़ी पर रखता हुआ नीचे आया। लिफ्ट के पीछे कुछ कोठियों से उजालों की लकीरें बाहर आ रही थी। आसपास से हंसी की आवाजें भी खनक रही थी। लिफ्ट के पास पहुंचकर आधी खुली छतरी सामने कुछ पल खान का इंतजार किया और फिर बाहर निकल पड़ा। पान लेकर नौटा, खान के लिए नजरे यहां वहां फिराई और फिर ऊपर चढ़ गया। चंपा बाई की कोठी का दरवाजा खोला था। भीतर आईने के सामने वो अपना श्रृंगार ठीक कर रही थी। आहट पाकर वो पीछे मुड़ी। काशी एकदम दो कदम पीछे हटा। शेर खान नहीं आया क्या? चंपा बाई ने हाथ आगे दिए। नकारात्मक ढंग से सर हिलाते हुए काशी ने पान आगे बढ़ाया। चंपा बाई ने पान मुंह में डाला, जीप से गोल फिराते हुए हल्का चबाकर जायका महसूस किया। वाह खूब, काशी के कंधे पर थपकी देते हुए खुशी के लहजे में कहा। बिल्कुल यही, कोई भी फर्क नहीं। काशी चुपचाप बाहर आया, बहुत धीमे से सीढ़ी उतरने लगा। उसे मालूम था इस बार उसके पांव नहीं खिसक पाएंगे, पर धीरे धीरे उतरते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां उसके पांव को छूकर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रही। आखिरी पायदान पर आकर ठप की आवाज के साथ
उसके पांव जमीन पर टिके, कुछ इस तरह जैसे उसके पांव ने और सीढ़ियों चढ़ने के प्रयास में कदम आगे बढ़ाया। सामने शेरखान हंस रहा था, जैसे कहीं से दौड़ कर आया हो। शेरखान को देखकर चाहते हुए भी काशी के होठों पर मुस्कान आई, सिर्फ उसकी जुबान पर कुछ लर्जिश आई। आज इतनी देर मेरा यार कादर बीमार था, छतरी साथ होते हुए भी शेरखान भीग गया। लिफ्ट के ऊपर रखी अपनी खाट उतारते हुए कहता रहा, सारा दिन भटका हूं, कभी डॉक्टर के यहां तो कभी नाक के दोनों तरफ, आंखों के किनारे के पास अंगूठा और बीच वाली उंगली रखते हुए क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फुसफुसाया, खुदाया तुमको चंपा भाई ने बुलाया था खान। सच? शेरखान खाट छोड़कर ऊपर जाने लगा। शेरखान कहो, पान के लिए बुलाया था भाई ने तुझे, जानता हूं। इस बीच बातों में शेरखान कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ गया, पान भाई जी के पास पहुंच गया। शेरखान अब रुक गया, पहुंच गया, मैंने खुद लाकर दिया भाई को। सच? सीढ़ियां वापस उतराया शेरखान। हां, कहां से? जहां से तुम लाते। अच्छा किया दोस्त, शेरखान खाट पर बैठा, पगड़ी उतारी, हाथ में पकड़ा डंडा बाजू में रखा, टांगे फैलाई, सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कितने पैसे दिए भाई जी ने? 15। लिफ्ट की ओर जाते काशी ने जवाब दिया। कितने वाला पान लाए? 30 वाला, तुमने जो बताया था। अपना नाम सुनते ही खान का हाथ अपने आप ही मुझे संवारने के लिए उठा, पर मुझे तक पहुंचते पहुंचते रुक गया, क्योंकि उसकी जबान से लफ्जों को बाहर आने की ज्यादा जल्दी थी। 30 पैसे वाला? हाँ, 15 मैंने अपने शरीक किए। खान कुछ पल सोचता रहा, उसकी पेशानी की सिलवटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। वेस्ट कोट की जेब से सिक्के बाहर निकाले, ये लो 15 पैसे। खान ने पैसे काशी की ओर बढ़ाए। काशी ने ना कहने के अंदाज में हल्के से सर हिलाया, पर खान के चेहरे को देखते ही अपनी बेबसी भांप ली। भाई जी ने कुछ कहा? तुम्हारे लिए पूछा, पहले भी और बाद में भी। सुनकर शेरखान की आंखें चमकने लगी। तुमने क्या कहा? पान मुंह में डालकर, हाँ, शाबाशी दी। खान उठ खड़ा हुआ, पूछा क्या कहा? कुछ तो कहा नहीं, सिर्फ कंधे पर थपकी दी, जवाब देकर काशी लिफ्ट की भीतर थोड़ा अंदर की तरफ सर गया, जैसे खान के नए सवालों के तांते से बचने का प्रयास कर रहा। ऊपरी होठ से निचले होठ को दबाए रखने के कारण खान की दाढ़ी के बाल खड़े हो गए। काशी के बदन में गुदगुदाहट जैसा कुछ हो रहा था। तेरी उम्र कितनी है रे काशी? खान ने अचानक सवाल किया। उम्र 18-19। उन्नीस? हाँ। खान के ध्यान ज्यादा भिजते जा रहे थे। लिफ्ट की तरफ बढ़कर काशी को बाहर खींचा। 19, बदमाश। और काशी को बाहर खींचकर मारना शुरू किया। रात की खामोशी और काशी का चिल्लाना, भय से आसपास के आदमी निकल आए। खान को रोकने की कोशिश करते हुए सभी ने कारण जानना था। खान साहब जवाब देने के बजाय काशी पर बरसने लगा। क्या हुआ खान? उसकी बाह पर जनाना हाथ पड़ा। अम्बहत ने मेरा नुकसान कर दिया चंपा भाई। खान का हाथ रुक गया और बाहें नीचे हो गई। सबने काशी की ओर देखा, वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, उस नौका सिखाने वाले मल्लाह की तरह जो समुद्र को जानने और उसमें उतरने से पहले ही भाप गया था कि उसकी छोटी नौका किसी शाही जहाज के एक कोने से टकराकर साहिल के पास ही जमीन में धस गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।